की तरफ से अखिल अब्बास साहब के पास आए हुए हैं, जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। और इनसे आज जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, इससे पब्लिक को और पेट्रोल पंप ओनर्स को क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या तकलीफें आ रही हैं। नहीं, तकलीफ़ें हमारे को तो ऐसा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, हमारे जो पेट्रोल पंप वाले जितने भी डीलर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। जैसा अभी आप देख रहे पिछले 8-10 दिन से रोज़ाना पेट्रोल में और डीजल में 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है कम से कम। तो जब हम दूसरा लोड मंगाते हैं तो हमारे को 50 पैसे का से ज़्यादा में हमारे को ख़रीदना पड़ता। और दूसरी बात, हमारा जो कमीशन है, जो हमारे को जो कमीशन मिलता है, जो हमारे का जो प्रॉफिट बोलना चाहिए, तो वो परसेंटेज बेस पे नहीं है, वो फिक्स है। तो जैसी हमारा रेट अगर बढ़ेगा तो अगर अपन ने उसको कैलकुलेट परसेंटेज के हिसाब से करेंगे आप, तो हमारा जो परसेंटेज है वो कम होते जाता है, यानी हमारा उसमें नुकसान होता है, हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसमें हमारा नुकसान होता है। और रही बात जनता की, तो अब जनता के जेब पे आप देख रहे होंगे रोज़ाना 50 पैसे का एक उमूमन रेट डेली बढ़ रहे है, तो वो एक आम आदमी को रेट है तो उसको उसके जेब को भारी पड़ता है। अब मैं समझता अभी तक कि 5-5 रुपये के करीब बढ़ गया होगा। तो ये अब जो भी है, ये अभी ये सब कोविड वोविड का जो ये चल रहा है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्चा करिए, तो शायद वो ये पेट्रोल डीजल से ही एक है ऐसी चीज़ है कि जिससे उसको रेवेन्यू इन लोग को बहुत फास्ट मिलती है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट है तो रोज़ाना पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। सर, ये इंटरनेशनल प्राइसेस में तो बैरल के रेट कम है, तो फिर भी यहाँ से अपने इंडिया के अंदर ही इतना रेट क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं वही बोल रहा चाह रहा ना कि इंडिया में इसलिए रेट बढ़ रहे होंगे कि इन लोग ने जो जो डिक्लेयर करे हैं, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करे है कि भाई हम इतने 1000 करोड़ का पैकेज है, तो ये पैसा लाएंगे कहाँ से? और पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है कि ये हर आम आदमी को ये लगती है, तो इसमें इनका जो भी टैक्सेस है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो टैक्स है, जो वैट लेते हैं उन लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है, ये जैसा माल उनका बिकेगा उन लोग को रेवेन्यू फास्ट आती है। दूसरे चीज़ों में जैसा इनकम टैक्स है, दूसरे जो टैक्सेस है, ये बाद में आपको भरना है। अपन पेट्रोल डीजल का अभी जैसा अभी हम जब माल खरीदते हैं तो ये हमारे को महीने में नहीं देना पड़ता है, ये जब हम माल खरीदे हम कंपनी से तो हमारे को वो टैक्स भर के आता माल, पैसा जो है वह पहले टैक्स भरना पड़ता, वो उसी के अंदर बिल्डअप रहता। तो गवर्नमेंट को हमने खरीदे, उनसे पैसा दिए, उनको टैक्स मिल गया। तो ये जो चीज़ है पेट्रोल डीजल से, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोलो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट बोलिए और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको रेवेन्यू फास्ट आती है। हम खरीद लिए, उनको टैक्स मिल गया, और जब हम बेचेंगे आपको, हम आम आदमी को जब बेचते हैं तो हम बाद में उनसे कलेक्ट करते। तो ये वजह ये है कि ये लोग को जो डेफिसिट आ रहा होगा, इन लोग को जो नुकसान भरपाई कर रहे हैं, ये पब्लिक से ही निकालना पड़ेगा ना उनको, तो ये इसलिए रोज की रोज रेट बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ टैक्सेस के अंदर इंक्रीमेंट किया गया है क्या? नहीं नहीं, अभी कोविड के चलते नहीं, नहीं नहीं, ये जो बीच में जो ये बढ़ाए थे 2 रुपये बढ़ाई थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी, बस वो 2 रुपये बढ़े हैं, बाकी के कोई टैक्सेस नहीं बढ़े। अच्छा, ये टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं इससे आपके पेट्रोल पंप्स को या पेट्रोल पंप ओनर्स को, इसके अंदर आपको प्रॉफिट है क्या लॉस है? नहीं, हमारा मैं बताया ना कि हमारा जो है वो फिक्स ये है, जैसा 1 लीटर के पीछे समझो 1.5 रुपया मिल रहा है हमारे को, तो अगर 50 रुपये लीटर अगर रहा तो 1.5 रुपया मिल रहा है, और अगर 80 रुपये भी चले गया तो 1.5 रुपया मिल रहा है, तो हमारा तो नुकसान ही है उसमें, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट पे है। तो ये फिक्स अमाउंट पे रहने की वजह से हमारा परसेंटेज पे नहीं है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है वो परसेंटेज पे लेती है, तो वो इसलिए लेती है कि जब रेट बढ़ता है, समझो उन्होंने 50 पैसे बढ़ाए जो, और परसेंटेज अगर जो भी टैक्स का है 28% जो भी है, तो 50 को 28 से अगर मल्टीप्लाई करके आप उसका परसेंटेज निकालेंगे
तो 2-4-5 पैसे का और इजाफा होता उसमें। तो वैसा नहीं है हमारा, जैसे ये रेट बढ़ते हैं तो हमारे पंप वालों को नुकसान होता है इसमें। जी महाराष्ट्र शासन के महाराष्ट्र शासन को आपके आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ मांगे आपने रखे थे क्या बीच में नहीं, हमने आपके प्रॉफिट के लिए? हमने है तो जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसा जाता, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं आता हमारा, हमने हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में दिए जो 2-3 महीने जब बंद था तो उसमें हमने लोग ने लिख के दिए थे उनको कि भाई हमारा जो सेल होता था जो जैसे जिसका भी है जो पिछले साल या पिछले 3 महीने जो सेल हुआ था और हमारे को जो कमीशन मिला था तो वो कमीशन आप हमारे को दीजिए, क्योंकि अभी हमारे को सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत से पंप वालों को तो बहुत प्रॉब्लम है और सभी को हुआ इसमें, तो वो हमने लिख के दिए थे पर उसी से कुछ भी फायदा नहीं हुआ और हमारे को कुछ उसके बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, आपके पास वर्कर कितने हैं सर अभी? मेरे पास 30 वर्कर है। 30? तो आप हाफ स्टाफ ही बुला रहे हैं क्या, फुल स्टाफ को बुला रहे हैं? नहीं, अभी तो इस हालत में अभी मेरा पंप कैसा सिटी के अंदर है तो मेरे पास सेल अभी मेरा 60% तक आ गया है, तो मैं भीड़ नहीं जमा होना बोल के, अगर क्या है वर्कर अगर मैं कम कर दिया और नोजल बंद रहे तो पब्लिक ज़्यादा भीड़ जाती, तो इसलिए ये कोविड के हम ध्यान रखते हुए मैं पूरे स्टाफ को बुला के सारे आप नोजल देखेंगे खुले चालू है नोजल, ताकि हम नहीं चाह रहे कि वो भीड़ बढ़े और ये प्रॉब्लम बढ़े, इसलिए हम स्टाफ को पूरे बुला रहे। आज आपने देखा अब्बास साहब ने इनकी प्रॉब्लम्स बताए और इन्हें क्या दिक्कतें और क्या तकलीफें आ रही है ये गवर्नमेंट का जो रेट डेली जो बढ़ रहा है पेट्रोल का। बस आज के लिए इतना ही। MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद, आमिर अली कैमरामैन के साथ।